हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत ये देखिए शॉल और स्टॉल के डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए देखने में जितनी खूबसूरत है फ्रेंड्स, बनाने में उतना ही इजी है, बहुत ही इजी है। आप इसे इजीली एक दिन में, एक दो घंटे में तैयार कर सकते हैं, सारे बिगनर्स के लिए। यहाँ पर देखिए मैंने व्हाइट कलर की मोती रखी हुई, अभी लगाया हुआ नहीं है, बस मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मोती हो फ्रेंड तो आप लगा लें, अदरवाइज़ नहीं है तो आप इसे सिंपल ही छोड़ दें। अभी ये पूरा कंप्लीट करेंगे आप लोग तो बहुत ही प्यारा लगेगा। यहाँ पे सिर्फ मैंने यहाँ पे देखिए दो लाइन कंप्लीट की हुई है, बहुत ही प्यारी है। आप देखिए इस डिज़ाइन में सरक भी बना सकते हैं, समर के लिए बहुत ही प्यारी लगेगी। ये देखिए बहुत ही ईजी है, सिर्फ ये चैन खींच खींच के ये पूरी डिज़ाइन हमारी बनी हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने यहाँ पर देखिए, आप अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई रख सकती हैं। यहाँ पे तो मैंने 30 चैन से स्टार्ट किया है, आप 40-50 अपने हिसाब से इसका चैन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दो लाइन सिर्फ कंप्लीट की है, आप ये पूरा हमारा कंप्लीट होगा 10 लाइन में। आप 10 से 12 लाइन पूरी ये कंप्लीट कर ले, फिर यहाँ पे नीचे की साइड आपने झालर लगानी है। देखिए यहाँ पे नीचे की साइड झालर लगेगी तो बहुत ही प्यारा ये बनकर आएगा और बहुत ईजी डिज़ाइन है। देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे ब्लू कलर का ऊन लिया है, आप कोई सा भी ऊन ले सकते हैं, क्रोशिया ली हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चैन बनाएंगे, तो चलिए हम चैन बनाते हैं। चैन बनाने के लिए सबसे पहले आपने मैजिक लूप लेना है। यहाँ पे देखिए हमने मैजिक लूप ले लिया, इसको हमने देखिए खींच दिया। उसके बाद यहाँ पे हम चैन बनाएंगे, एक दो तीन, चलिए यहाँ पे हम चैन कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने टोटल 30 चैन लिया है। देखिए आपने अगर शॉल बनाना है तो आप यहाँ पे 100 चैन ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्टॉल बनाऊंगी तो इसलिए हमने यहाँ पर टोटल 30 चैन लिया है। आप और भी चौड़ा कर सकते हैं, इतना चौड़ा सही है, इसलिए मैंने यहाँ पर 30 चैन लिया है। 30 चैन लेने के बाद अब देखिए हमने सारे चैन में एक भी चैन स्किप नहीं करना है, डबल क्रोशिया करके कंप्लीट करना है। देखिए ये देखिए, फिर जस्ट इसके बगल वाले में देखिए, फिर इसके बगल वाले में हमने ये पूरे चैन में डबल क्रोशिया, ये देखिए डबल क्रोशिया करके हमने ये कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया करके सारे चैन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखिए एक चैन लेके उसके बाद हम यहाँ पे पलट लेंगे। इसको पलटने के बाद हमने यहाँ पे टोटल देखिए 1 2, फिर हम चैन लेंगे, आपने अपने हिसाब से यहाँ पे चैन लेना है। तो यहाँ पे मैं टोटल 35 चैन लूँगी, तो चलिए हम यहाँ पर टोटल 35 चैन ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे टोटल 40 चैन लिए हैं, यानी आपने भी 40 चैन लेना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 35 चैन ले रहे हैं तो ये चैन छोटी हो जाएगी डिज़ाइन। तो यहाँ पे हमने टोटल 40 चैन ले लिया है। 40 चैन लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको ज्वाइंट करना है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर ज्वाइंट कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है ये डिज़ाइन और बहुत ही अच्छा बन के आता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम देखिए ये वाला जो हमने जहाँ से देखिए 40 चैन लेने के बाद हम यहाँ पे एक दो चैन छोड़ने के बाद तीसरी चैन में हमने देखिए यहाँ पे ज्वाइंट करना है। कोई हमने चैन नहीं लेना है, सिर्फ हमने यहाँ पे इसको देखिए स्लिप स्टिच के थ्रू ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। ये देखिए ये हमारी 40 चैन की है। फिर हम यहाँ से चैन लेंगे, एक दो तीन, 40 चैन फिर ले लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए फ्रेंड, फिर हम यहाँ पर 40 चैन ले लिए हैं। अब यहाँ पर हमने एक चैन स्किप, देखिए हमने इसको भी हम काउंट करके बता रहे हैं जिसमें हमने चैन को ज्वाइंट किया था, इसको छोड़ के फिर इसको छोड़ के फिर तीसरे चैन में हम फिर ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए फिर हम तीसरे चैन में इसको ज्वाइंट कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको ऐसे ज्वाइंट कर दिया, ऐसे ही हमारी पूरी रो बनेगी। 40-40 का आपने चैन लेना है और ये हमने ज्वाइंट करते हुए जाना है। देखिए फिर हम 40 चैन लेंगे। 40 चैन लेने के बाद देखिए एक दो, यहाँ पे हम दूसरी वाली चैन में यानी एक चैन स्किप करके दूसरी वाले में डालेंगे। तो ऐसे ही चलिए हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे टोटल पूरी कंप्लीट कर ली है, देखिए पूरी रो बनाकर।
जैसे हमने कहा था आपको 40-40 चैन लेके फिर हमने ये ज्वाइंट करते हुए कंप्लीट किया है। अब देखिए हम लास्ट में पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे हमने देखिए 20 चैन लेना है लास्ट में। हम यहाँ पे देखिए हम लास्ट तक ज्वाइंट किए, उसके बाद हम यहाँ पे अब 20 चैन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 20 चैन लेने के बाद हमने ये जो बनाई हुई है चैन लेके 40 चैन, अब इसको हम क्या करेंगे देखिए सेंटर में ले जाके यहाँ पे हमने इसको एकदम बराबर और इसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए चैन को हमने सीधा कर लेना है, यानी जो हमारा सीधे साइड है सीधा, उल्टा साइड है उल्टा। तो इसको देखिए हमने एकदम बराबर में बराबर वाले चैन में, देखिए पहले आपने इसको ऐसे को बराबर कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमने इसको बराबर कर लिया है। अब हम इस चैन में देखिए हमने देखिए इस चैन में डाला हुआ है, ये देखिए एक बार सिंगल, फिर यहाँ पे देखिए ऐसे निकाल लिया, फिर यहाँ पे हमने देखिए ऐसे को डाला इसी देखिए उसी जगह, फिर यहाँ पे और फिर हमने ये देखिए ऐसे को निकाल दिया। तो ये हमारे यहाँ पे ज्वाइंट होते हुए जाएगा, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये ज्वाइंट होते हुए जाएगा। ऐसे हमने ये पूरी रो करनी है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। अब हमने देखिए क्या करना है, चैन को लिया हमने इसको बराबर किया, ये देखिए बराबर हमने किया इसको ऐसे को, और चैन हमारा देखिए ये पलटने ना पाए ऐसे को रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको इसके अंदर डाला क्रोशिया को, और यहाँ पे देखिए फिर देखिए यहाँ पे एक बार और इसको हम दो बार सिंगल क्रोशिया पे बना रहे हैं। तो ये देखिए हमारा कुछ ऐसे ही जुड़ते हुए आएगा। फिर देखिए हम इसको ऐसे बराबर करना है हमने, फिर सेंटर में हमने इसके चैन में देखिए ये देखिए फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर इसी होल में फिर देखिए हमने यहाँ पे एक बार में हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया, फिर सिंगल क्रोशिया ये देखिए। तो ये हमारा ऐसे ही ज्वाइंट होते हुए यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे हमने ज्वाइंट किया है ऐसे ये पूरी हमारी ज्वाइंट होते हुए जाएगी। तो चलिए हम पूरा ऐसे ही बना लेते हैं।